Thank you so much for Shades of Dream for giving me this amazing opportunity. By the way, this is my first open mic. So today is my topic is hope for the best. उम्मीद इस दुनिया में जीने की, एक उम्मीद किसी को पाने की और एक उम्मीद दुनिया में कुछ हासिल करने की। तो ऐसे ही एक अभी मैं मार्केट में गया था तो एक अंकल थे, काफ़ी ओल्ड एज थे और मतलब वो कॉटन कैंडी बेच रहे थे। तो उन्होंने मतलब मैं उनको काफ़ी देर तक देखता रहा, वो बार बार मार्केट में इधर उधर कर रहे थे। और बाद में एट लास्ट में जब उनको पूछा कि अंकल आप मतलब ये कॉटन कैंडी आप इतनी देर से लेके घूम रहे हैं, इसकी एक भी सेलिंग हुई कि नहीं हुई, उन्होंने बताया कि नहीं अभी तो एक भी नहीं हुई है। तो मुझसे रहा नहीं गया तो फिर मैंने खुद से ही मैंने दो कॉटन कैंडी ले ली और मैंने उनसे कहा कि अभी तक आपकी एक की सेलिंग नहीं हुई है और आप कब से सुबह से आए थे। तो आई थिंक वो शाम के 4 बज रहे थे। तो मैं उनको जब देख रहा था तो एक उनके फेस पे एक्सप्रेशन था कि बिल्कुल होपलेस, आई थिंक टायर्ड फीलिंग जिसे कहते हैं। सुबह से कोई इंसान है 11 बजे से 12 बजे से उसी मार्केट पे बार बार वॉक करे जा रहा है बट कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो द थिंग इज दैट कि उनसे जब मैंने पूछा कि आप ये कॉटन कैंडी क्यों बेच रहे हो, आप कोई और काम करो, तो उन्होंने डायरेक्टली मुझसे बोला कि मैं और कोई काम कर नहीं सकता क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो मैंने बोला कि आपका बेटा नहीं है, तो इन केस उन्होंने बोला कि मेरा बेटा जो है किसी डिजीज़ के कारण उसकी डेथ हो गई है। तो ये सुनने के बाद तो मतलब मैं भी होपलेस हो चुका था बिकॉज द थिंग इज दैट कि उनके एक्सप्रेशन थे और जो उनकी सिचुएशन थी, उनके जो सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस थे उसको अगर मैं फील कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि वाकई में उम्मीद लगाना ज़िंदगी में कितना ज़्यादा टफ होता है। कभी एक उम्मीद दुनिया में जब कुछ हासिल करने की होती है तो ये उम्मीदें कभी कभी हमको इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट कर देती हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि आखिर चल क्या रहा है। ये उम्मीदें लगाना कभी कभी इतना टफ हो जाता है कि इंसान जो अपनी लाइफ में आगे ही एक उम्मीद लेकर बढ़ रहा है, जो अपनी लाइफ में उम्मीद लेकर ही आगे बढ़ रहा है, और जब कभी वो होप भी टूट जाती है तो इस कदर इंसान ब्रेक होता है, मतलब एक उसका अंदर से जो एक्सप्रेशन जो आते हैं और जो हम होप लेके कोई काम को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो द कंडीशन इज दैट कि हम सफ़र कर नहीं पाते हैं बिल्कुल। और बैड लक और गुड लक जैसा कुछ नहीं होता बिकॉज जिस पर बीतती है और जो अपनी प्रॉब्लम से सफ़र करता है सिर्फ वही महसूस कर सकता है। कहने को तो ये शब्द बहुत छोटा सा है, केवल 5 लेटर्स का है कि उम्मीद पे, बाकी जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, लेकिन क्योंकि हर इंसान जानता है कि आज चाहे जैसा हो बट अपने कल को अगर बेहतर बनाना है तो हमें आज मेहनत करनी ही पड़ेगी, और जहाँ मेहनत होती है वहाँ पर उम्मीद ज़्यादा होती है। जो लोग कहते हैं कि उम्मीदें लगाना बेकार है, मैं कहता हूँ ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि काम कितना भी हो, कैसा भी हो और कितना क्यों ना कठिन हो, जब उसको शिद्दत और पूरी लगन से किया जाता है तो उसमें सक्सेस होने की उम्मीद उससे ज़्यादा हो जाती है। ज़माना चाहे कितना भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए या टेक्निकल क्यों ना हो जाए बट विदाउट होप दे कांट लिव, बिकॉज सबकी लाइफ अलग है, सिचुएशंस अलग हैं, सर्कमस्टांसेस अलग हैं, सबके अपने अलग अलग टेम्परामेंट्स हैं। जब एक गरीब अपना स्टॉल लेकर सुबह अपने घर से बाहर निकलता है इस उम्मीद से कि आज शाम तक उसको खाना तो नसीब हो ही जाएगा, और ऐसे ही एक बच्चा जब अगर लगन से पढ़ता है कि नहीं अब की बार का फर्स्ट रैंकर तो मैं ही हूँगा बिकॉज वो अपना पूरा बेस्ट दे रहा है, तो मैटर ये करता है कि हम अपना काम में बेस्ट देना चाह रहे हैं।
डजंट मैटर कि हम फेल हो रहे हैं या पास हो रहे हैं, लेकिन वो बच्चा अपना बेस्ट पूरा देता है। एक पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए वो सब कुछ करते हैं जो कि शायद हमको, शायद हम अपने पेरेंट्स को रिटर्न भी ना कर पाए, लेकिन फिर भी उन्हें उम्मीद होती है कि उनका बच्चा लाइफ में खूब आगे जाएगा और कभी उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करेगा। इंसान कद में या अपने पद में चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, बट वो जीता उसी होप में है कि उसका कल डेफिनेटली बेहतर होगा। बस यही सोचकर कुछ मैं भी यूं आगे बढ़ता हूं कि फेलियर इज नॉट द ऑप्शन, कि हम उस लायक नहीं है, इट्स रॉन्ग। ऑलवेज रिमेंबर, फेलियर इज ओनली द जर्नी टू योर सक्सेस। पॉजिटिविटी ये कहती है कि एग्जाम हमारा कितना भी टफ क्यों ना हो, बट वी डोंट हैव टू फेल। और अगर हम फेल हो भी जाते हैं तो उससे सिर्फ सीखना है और समझना है, ना कि हमें हार माननी है। जितना हम अपने ऊपर और अपने काम के ऊपर वर्क करते हैं, हमारी होप उतनी ही बढ़ जाती है। और दैट इज वेरी गुड थिंग कि हमारे अंदर एक सेल्फ बिलीव और कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, क्योंकि लाइफ में गिव अप करने जैसा कुछ भी नहीं होता। और सो ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट एंड इट रियली हेल्प्स यू। लास्ट में मैं आप लोगों से कुछ लाइनें बोलना चाहूँगा कि कुछ जिंदगी ने सिखाया, कुछ यहाँ के लोगों ने सिखाया, असल जिंदगी क्या होती है ये दुनिया की ठोकरों ने मुझे सिखाया। शुक्रिया अदा करता हूँ मैं अपने उस रब का और अपने उस कठिन वक्त का। अगर ये दोनों मेरी जिंदगी में ना आए होते, अलग ही मंजर होता मेरी अपनी खुद की जिंदगी का। समय ने अपनी दस्तक दे दी थी कि इतना आसान नहीं इस जहान में जीना, अब आए हो तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। पहले शुरुआत में बहुत बार गिरा और गिर के खड़ा हुआ, कुछ यूं सीखा मैंने सर उठाकर जीना। रास्ते में मिलेंगे बहुत से गिराने वाले, या की जाएंगी साजिशें हमें नीचा दिखाने की, लेकिन हार नहीं मानना है तभी तो सफर कर पाएंगे इस कठोर जिंदगी का। थैंक यू। Hey friends, thank you for watching this video. Please like, share and subscribe.